पता ना, मैनू लग रहा है आज ना बचा ही है। तो ये मैंने अपना क्रीम पे थी आपकी, तो क्रीम पे राइड बुक की हुई थी, तो अभी फाइनली मैं क्रीम की जो राइड है उस पर बैठ चुका हूँ। और ये चाचा जी का नाम मियाँ साद मुर्तजा है, और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इधर से निकले ताकि ये जो इधर की फ्रस्ट्रेशन है उससे ज़रा बाहर आ सके। तो अभी हम जा ही रहे थे तो साथ की गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई, और अब वो कह रही है कि आप ना मतलब कि मुझसे मिलने आओ, मेरा गुजारा नहीं और आपके बगैर एक्शन लगा के अब उससे ये डेट मारने जा रहा है, तो आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। क्रिकेट की कहने, क्रिकेट वाले क्लब की काम में दे रहा यार, कह रहा मैं स्पोर्ट्समैन। ये देखो निबी के पीछे मिनटों में ना ये अपना इसने वो सारा कुछ बदल लिया, ठीक है? तो मैं सही बता रहा हूँ, ये लड़का नहीं सही, तेनू मैं तला देना ही बे साले। मैं सही बता रहा हूँ, अपनी निबी को समझाया करो, तुम्हारी निबी अच्छी नहीं है। निबी के पीछे क्या करना पड़ेगा? KFC एलटी शरण जिससे हम मिलने जा रहे थे, मैं पे लोकेशन लगाई थी, दरअसल उसने साथ को टोपी करवा दिया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि जब बंदे का दिल टूट रहा है, ब्रेकअप होता है, तो उसके बाद बंदे का होता है कि खाने पे ध्यान होता है, तो बंदा रज के खाना खाता है, ठीक है? तो साद अब कह रहा है यार दिल तो टूट ही गया। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू फाइंड सम रेस्टोरेंट टू ईट समथिंग। हाँ तो वो आप, हाँ साद वो तेरे सामने चाचा KFC आ गया। तो ये साद के बहुत ही अजीज चाचा हैं KFC, तो अभी हम इनके पास जा रहे हैं। मेरे अबू से छोटे हैं। तेरे अबू से छोटी है? सही हो गए, मतलब ओ साडा चाचा आ गया जी, मुंह बोला। अब ये देखो, अब ये भी देख रहे होंगे कि यार किस तरह का म्यूजिक लगाया। तो यार अब आप खुद ही बताओ, जब दिल टूटता है तो क्या मतलब कि हिप हॉप लगाते हैं? यही सैड सॉन्ग ही काम आते हैं यार। हाय हाय, मैं ना ये दिन कभी भी नहीं भूलूंगा साथ, तुम्हारी निबी ने अच्छा नहीं किया। ये KFC क्यों ना जा रहे हैं, मुझे लगता है सॉरी चाचा जी गलती होगी, ने साथ का स्केच बना लिया। और ये देखें, ये साथ का स्केच आ गया है, ये साथ की गाड़ी का नंबर है। अगर किसी ने भी इसको अगवा करना हो, ठीक है, सो इस सख्त लोंडे को तो कोई भी इसे अगवा कर सकता है, हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। यार चाचा हर जगह से क्यों बनया है? तो साथ मुझसे पूछ रहा है कि डाइनिंग है इनका, मैंने इनको बताया। यार क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। जैसा कि ये देख सकते हैं, अभी इंतज़ार कर रहा है जी, अब तो बेचारे गया ही नहीं है, अभी हम इधर ऑर्डर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ही देर में ऑर्डर आ जाएगा हमारा। तुम्हारी निबी कहाँ पर है? साथ तेरी निबी कहाँ पर है? दिल में, दिल में। आजकल निबी दिल में नहीं रहती। अच्छा यार मैं आपको बता दूं, साथ इधर ना मतलब खाने वगैरह नहीं आता, वो जो इधर की बात है ना वो कोई और है। साथ इधर आने के पीछे क्या रीज़न है? निबी तुम्हारी कहीं इधर से तो नहीं है? KFC से पुराना, मतलब निबी इसकी पुरानी KFC से है, तो मैं समझ सकता हूँ KFC से पुराना पुरानी है, समझ रहे इसकी बात में। कवर भी मैंने वैसे देख, ये निबी का दिया हुआ कवर है फ़ोन का, जो इसने भी लगा KFC का डाटा नहीं है। ओए तूने पहले निबी के पीछे लगाई हुई थी, चेंज क्यों की है? निबी से तलाक हो गई, तेरी तो शादी नहीं हुई थी उसे, इसलिए तलाक। हम थारे का दर्द समझे हैं, ये अभी तक किस कंडीशन में है वो मैं जानता हूँ, और बस मैं ही जानता हूँ। यहाँ ये इसका ये ऑर्डर आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई हाईली रिकमेंड यू, जब भी आप KFC आए अपनी शोना के साथ आए, अकेले बंदे का इधर कोई काम नहीं, क्योंकि भाई ये सिंगल लोगों की जगह नहीं है। हम जैसे पता नहीं कैसे अलाउ हो गया, मुझे नहीं पता। इधर से दिल कहाँ पर है? इधर दिल इधर से टूटा है आज मेरा, और ये देखकर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना चाहिए था, ना के साथ के साथ। तो दिल खून के आंसू रो रहा है, तो चलो कोई नहीं, साथ का भी ब्रेकअप हो गया, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी वो वॉशरूम गया, उसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब कि समझ रहे हैं आप, ठीक है?
वाह पै गया और ये मुंह बन गया। वाह साथ तू इधर ही पिघल गया। अभी शायद तू बोल रहा है तेरी निबी ने तुझे क्या किया है? क्या सही क्या गया निबी कुछ नहीं। वैसे ये सख्त लोंडो वाली आज बातें कर रहा है। ये कुछ एक साथ आ गया है जिसे आई थिंक सो कहते हैं यार गोश्ती जो भी है गोश्ती कहते हैं डोंट नो इसे क्या कहते हैं। ये साथ में उंगल वाली चिप्स आ गई है, ये अंडे वाला बर्गर और ये अंडे वाला बर्गर मेरा है और हम ये चिप्स अभी ट्राई करने लगे हैं। जब भी के एफ सी आएँ आप जो डील वाला है पैकेज वो करें। अगर आप हाँ वो कॉस्टली ज़्यादा नहीं होता, उसमें आपको ये होता है थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है। बेटा बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रहे आप। ये मूछों का स्टाइल किसे कॉपी किया है, किसको फॉलो कर रहा है आजकल? किसी को भी सही बता, मेरे स्टाइल अपने ही होते हैं पता ही है। ऊपर जाएंगे क्योंकि जो इसकी नीबी है वो ऊपर कहीं इंतज़ार कर रही है इसका। ये कह रहा है मुझे नहीं पता। हाँ इसके लिए गिफ्ट लेके जाना है तो ये नहीं है। साथ की नीबी ने फिर इसको ये देखें धोखा दिया और फिर भूख लगी थी साथ को तो ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं और उसको खिलाने के बाद ये नीबी ने ये कुछ पैसे थे ये भी वापस किए हैं। साथ यार तेरे साथ इतनी जलालत क्यों हो रही है? इसकी नीबी नहीं अच्छी यार। कितने अफसोस के अल्लाह में ये चल रहा है। मुझे यार साथ तेरी ये ली हालत नहीं देखी जाती। कौन सी ये जो निबी के मतलब के ना होने पे यू ऊपर गया निबी ने तुझे बार बार लारे दिए हैं लॉलीपॉप दिया है और तू वही लॉलीपॉप लेकर तुम यार कितनी सैड लाइफ है यार तेरी। इतना तो कभी मेरे साथ भी ना मेरी लिबी ने मुझे कभी इतने नारे नहीं लगाए। हाँ मानता हूँ मेरी नहीं है लेकिन फिर भी यार निबी अगर तुम मुझे देख रही हो साथ की निबी या मेरी निबी कोई भी हमें से देख रही हो तो प्लीज़ कम बैक। हम आपको कह नहीं रहे सकते। तो मेरी नुवे नसास है। तो तेरी पहले कौन सी आ रही है? हैं जड़े किले रखे जे ना ओ निब्बी ने बगा देने मैं नहीं निब्बी बनानी। निब्बी बड़ी दफ्तरी चीज होती है। मैं आज के BMW लवोगे ना ओ निब्बी ने मर्सिडीज बेंज ना मानना है उनदे बगैर निब्बियां थल्ले नहीं आ गया। नहीं आपा लेगा BMW लेने। BMW इधर देख तेरी BMW करी हुई है। ये साथ की BMW करी हुई थी और साथ को टू व्यू एनएस यही BMW ही चाहिए। पापा महंगी वाली लेने में वो साड़ी गड्डी को लेके चल रही। तो अब पहले KFC लग रहा उसके बाद मेट्रो में इसकी निबी से मिलने गए थे। अगर गाड़ी में बैठे तो मैं एक चीज देख कर ना नहीं नहीं हैरान हो गया वो ये कि यार ये मतलब के जंज लूट के आया साथ। आई फील लाइक तो साथ ये क्या किसकी जंज लूटी थी? अपनी लूटी आराम ही साला तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि साथ को कुत्ता खंग लगी हुई है। साथ ही आपको कुत्ता खंग कब से लगी हुई है? जब से तुम मेरे दोस्त बने। साथ तुम्हारी निपी वो बाइक पे किसी और के साथ जा रही है। जान दे दी 100 रुपया दे काल ले लें। काल ना कड़ी काल ना कड़ी साथ पी जा गुस्से नाल। तो ये इधर फिर एक पार्क में निबी ने कहा इधर आ जाओ। यार तुम्हारी कितनी निबी है साथ? क्या यार मसला है यार? कभी ये वाली निबी कभी वो वाली निबी, एक मुंह नहीं लगाती दूसरी को पकड़ लेते हो, दूसरी नहीं लगाती तीसरी को पकड़ लेते हो। यार सानू कोई अल्लाह महीना भर के एक नहीं लभदी। तू मैं कहना दिहारी जी 7-8 ले जाना। तो भाई ये एक पार्क थी जिसमें हम एंटर हुए थे और चल चल के मरने वाली हालत हो गई है और अब हम रेस्ट करने के लिए। ये कह रहा है मैंने ज़िंदगी में इतना नहीं चला जितना आज चल पाया। दरअसल हमने भी कहा वाई नॉट एक्सप्लोर दिस प्लेस। तो चलिए बड़ी दूर जाना, अभी बहुत दूर जाना है हमारा। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस पार्क में आने के बाद हैरान और परेशान हो गया हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। हाँ और इस पर जो खूबसूरती है वो देखें आप। दरख्त ही दरख्त है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। साथ तेरी ऑक्सीजन की जो कमी है ना वो मेरा ख्याल है इधर से पूरी हो जाएगी। इधर से नहीं होनी वो पूरी। ए भी आपा वेखा सी उठो
अच्छी निकलने आप बाहर तो फिर बस यही डायरेक्शन पे जाते हैं भाई। हाँ वो सामने जी आंटी उंटी नहीं बैठे वो ही आप आके देखिया इधर से ना बाहर निकलने का उन्होंने कहा था डोंट स्पीड दिस एरिया मतलब के पास। अच्छा इधर से ना बाहर जाने की निशानी हमने ये रखी हुई है हमने देखा हुआ है इधर ना लोग डेट पे बैठे हुए हैं तो जो डेट पे बैठे हुए हैं ना पहले हमने उनको जाते हुए देखा था अब वापसी आ रही थी हम उनको दोबारा देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये वही रास्ता था जिस रास्ते से हम आगे गए थे और उस रास्ते पे हम फाइनली बैक वापस आ गए। यस यू आर राइट माय ब्रदर या आई एम वेरी राइट वेरी वेरी राइट सॉरी साथ मुझे ये बता दे टू बी ऑनेस्ट जब हम उधर से निकले थे तेरी निब्बी ने फ़ोन किया था कि तुम इधर आ जाओ और अब वो नहीं मिली हमने पूरी पार्क विजिट कर ली अब क्या मसला है यार अब उसको यार तुम गरीब लोग जब साथ हो तो किधर से उसने नहीं तो उसे कैसे पता है कि मैं तेरे साथ हूँ निब्बी तेरी है तूने तो नहीं बताया मेरे सामने उसको मेरे साथ कोई और भी है उसने तो तुम्हें अकेले को बुलाया था जब मैं फोन पे बात कर रहा था पीछे से बोल रहे थे वो तेरी निब्बी वो देख सामने किसी और के साथ चल रही है रेड में तेरे साथ आए दिन धोखा ही हो रहा है पिस्तौल कितने मेरा ला के लिया पिस्तौल लटक रहा है डब में लगा हुआ है साथ ये देख ले मेरे बहुत ही अफसोस हो रहा है एक्सपोज कर दिया ये इसकी निबी ये देखो दूसरों के साथ पी रही है मुझे इसके लिए बहुत अफसोस हो रहा है ठीक है जो गरीब ने उनको लुकड़ा नहीं पता नहीं कर केड़े झूठ मार के आई होनी है पढ़न जा रही है यार कोई हासिल करन जा रही है वो इतना दरअसल तालीम हासिल कर रही है लड़की ने उसका बैग उठाया हुआ था कोई कर्जा लान पाकिस्तान का यकीन करो ऐसा बनाई नहीं गई लेकिन ऐलिया चीज़ा वेख के शुक्र करने जिसको चंगा नहीं बनाई तो सैड रियलिटी साथ वो सामने करीब है हमारी डिफरेंट लेवल ब्रो आई एम ऑन द डिफरेंट लेवल तो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और एंटरटेनिंग भी लगा होगा बिकॉज मेरे साथ थे आज मियां साहिब और इसी के साथ आज का व्लॉग वाइंड अप करते हैं होप वी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड